ये तो हमने बात करी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया गया वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज 2D स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज 3D स्ट्रक्चर। नाउ इन 2D स्ट्रक्चर अगेन इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, वन इज स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल। अगेन 3D स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल। नाउ ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स है अगेन इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज डिटर्मिनेट एंड अदर इज इनडिटर्मिनेट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है स्टेबल स्ट्रक्चर, क्या है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्कोप में हमें पढ़ना है, दैट इज 2D स्टेबल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। 2D स्टेबल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है इन द स्कोप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो दिस इज द स्कोप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्कोप में जो है दैट इज 2D स्टेबल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, देन व्हाट इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ अनस्टेबल स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट 2D स्ट्रक्चर्स की। सो जिन स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम 2 डायमेंशंस में कर रहे हैं, ओनली हमने 3rd डायमेंशन को क्या क्या नेग्लेक्ट किया है, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फिजिकली कि किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका थर्ड जो डायरेक्शन है उसमें कोई डायमेंशन ना हो, बट हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर द एनालिसिस पर्पज, फॉर द स्टडी पर्पज, हम उसे 3rd डायरेक्शन में जो भी उसके डायमेंशन है उसे क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आप एक पेपर भी लेंगे तो उसका 3rd जो डायरेक्शन है उसमें भले ही नेग्लिजिबल उसका डायमेंशन होगा, बट डायमेंशन होगा जरूर। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो 3rd उसका डायरेक्शन है उसमें उसके डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस पे ही कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज 2D स्ट्रक्चर। नाउ अगर 2D स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 2D स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम किसको डिफाइन करेंगे, ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे कितनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी और सिर्फ एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, 2 ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे नहीं होगी। सो इफ आई टॉक अबाउट अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो सपोज दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, एंड दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो मैंने रेफरेंस प्लेन, अगेन हमने क्या किया, रेफरेंस प्लेन 2D हो या 3D हो, किसको अज्यूम करेंगे, हमेशा क्रॉस सेक्शन को अज्यूम करेंगे। फिर सिंस इसमें हमने क्रॉस सेक्शन के जो डायमेंशन है 3rd वाले डायमेंशन को निग्लेक्ट किया है, फिर भी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, दिस एक्सिस एक्स एक्सिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल हियर। सो दिस एक्स एक्सिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड दिस वाई इज ट्रांसवर्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वाई एक्सिस विल बी ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ अगर इस 2D स्ट्रक्चर पे मैं कोई लोड लगा रहा हूँ तो उस लोड की वजह से क्या होगा, उस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन होंगे, एंड इन अ 2D स्ट्रक्चर 3 डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आ सकते हैं। सो डिफॉर्मेशन आई विल राइट, पॉसिबल डिफॉर्मेशन विल बी डेल्टा एक्स, दैट इज लीनियर डिफॉर्मेशन अबाउट एक्स। सेकेंड इज डेल्टा वाई, that is linear deformation about y axis, and 3rd is theta z, that is deformation about z axis. So these are the possible deformations. Now
इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सो ये जो डिफॉर्मेशन होंगे दीज आर स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड मैंने बोला है दीज आर व्हाट, दीज आर स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन विच आर पॉसिबल एंड विच आर परमिसिबल, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परमिसिबल, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अलाउड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो 2D स्ट्रक्चर में क्या हो गया, स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गए बट डिस्प्लेसमेंट हम परमिसिबल नहीं है. डिस्प्लेसमेंट परमिसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसका क्या मतलब है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस और द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन vertical direction is zero, net force on the body in horizontal direction is zero and net moment about z axis is zero. Net moment about z axis is zero क्योंकि y और x axis के about आप moment लगा ही नहीं सकते ना इसमें, y और x axis के about आप moment लगा ही नहीं सकते, moment सिर्फ और सिर्फ किसके about लगा सकते, z axis के about लगा सकते. So the moment about z axis is zero. So this is the condition of equilibrium. The body is in state of static equilibrium. That is why ये तीनों conditions को क्या कर रहा है, body satisfy कर रहा है. That is why जो displacement है body में वो कितना है, zero है. हम इसे पहले ही analyze कर चुके. If the net force on the body is zero, then body is not going to be displaced. या body में कोई displacement नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, net force is zero. Now अब हम बात करते हैं stability की. What is stability? Now स्टेबिलिटी को आप प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करिए. स्टेबिलिटी क्या है, इफ द बॉडी इज नॉट शोइंग एनी रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, बॉडी एज अ होल अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देन उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी को हम बोलेंगे दैट इज अ स्टेबल बॉडी. और अगर कोई स्ट्रक्चर है वो रिजिड बॉडी मूवमेंट्स नहीं शो कर रहा है, स्ट्रक्चर अपना पोजिशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एज अ होल चेंज नहीं कर रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टेबल स्ट्रक्चर. सो प्लीज राइट, फॉर स्टेबिलिटी इन 2D लोडिंग, फॉर स्टेबिलिटी इन 2D लोडिंग देयर शैल बी नो एप्रिशिएबल movement that is rigid body movement in any direction or about any axis. सो 2D डायमेंशन में, टू डायरेक्शन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या है, 2D 3D किसी भी में हो स्टेबिलिटी क्या बोलती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि देयर शुड बी नो एनी रिजिड बॉडी मूवमेंट्स, देयर शुड बी नो चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और यू कैन से देयर शुड बी नो चेंज इन पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो यहाँ पे एप्रिशिएबल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज इन स्टेबल कंडीशन और द बॉडी और द स्ट्रक्चर इज स्टेबल. नाउ इसमें अब इस जो रिजिड बॉडी मूवमेंट है इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, आप याद करिए हमने पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी में क्या था, फोर्स तो लग रहा था बट उसके अगेंस्ट में देयर वॉज अ सपोर्ट जो उस बॉडी पे रिजिड बॉडी मूवमेंट्स को नहीं आने दे रहा था, जो बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं होने दे रहा था. वेयर एज इन द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी देयर वॉज नो सपोर्ट. सो ये जो स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है. सो टू अचीव दिस
there should be proper support to provide appropriate reactions in order to prevent above in order to prevent displacement in order to prevent displacement. So in displacements को prevent करने के लिए क्या होना चाहिए, in displacements को prevent करने के लिए there should be proper support system. ठीक है, structure में proper supports होना चाहिए जो कि in rigid body movements को you can say in displacements को prevent कर पाए. कैसे prevent करेंगे, जो support है वो reaction लगाएगा और reaction से क्या होगा, displacements prevent हो जाएंगे. So इसके बाद लिखिए फॉर स्टेबिलिटी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ये जो यहाँ पे लिखा है देयर शुड बी प्रॉपर सपोर्ट टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिएक्शन. इसका क्या मतलब होता है, किस टाइप का सपोर्ट होना चाहिए और किस टाइप की रिएक्शंस मिलनी चाहिए अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए हमारे स्ट्रक्चर में. अगर स्ट्रक्चर में डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करना है, अगर स्ट्रक्चर में रिजिड बॉडी मूवमेंट्स को अवॉइड करना है, तो किस टाइप का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, किस टाइप के रिएक्शंस का अरेंजमेंट चाहिए हमें ताकि हम इन डिस्प्लेसमेंट्स को अवॉइड कर पाए, इन डिस्प्लेसमेंट्स को प्रिवेंट कर पाए. सो इसमें लिखिए फॉर स्टेबिलिटी देयर शुड बी इनफ रिएक्शंस विथ appropriate arrangement. ऐसा लिखे for stability enough reaction with appropriate arrangement should be developed at supports such that following conditions are satisfied. सो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, इनफ नंबर ऑफ रिएक्शंस और उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, कुछ कंडीशंस है उन कंडीशंस को अगर रिएक्शन सेटिस्फाई करेगी तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं दैट स्ट्रक्चर इज स्टेबल. अगर इन कंडीशंस को रिएक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट द स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल और यू कैन से स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल. सो द फर्स्ट कंडीशन इज condition number 1 is number of independent reactions should be greater than equals to 3. number of independent reaction kitni honi chahiye, minimum 3 honi chahiye. condition number 2 is all the reactions should not be concurrent. All the reactions should not be concurrent. इसमें लिखिए if all the reactions are concurrent, then angular instability will be introduced. If all the reactions are concurrent, then angular instability will be introduced. अभी एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे. पहले आप लिख लीजिए, द थर्ड कंडीशन इज ऑल द रिएक्शंस शुड नॉट बी
parallel, all the reaction should not be parallel. इसमें लिखिए if all the reactions are parallel, then linear instability will be introduced. क्या होगा उससे? लीनियर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी. लास्ट लिखिए देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन ऑफ मैकेनिज्म. There should not be any condition of mechanism. Mechanism क्या होता है? Three hinges including one internal hinge placed collinearly will form a mechanism. Three hinges when placed collinearly including one internal hinge, इसको ब्रैकेट में लिखे, including one internal hinge when placed collinearly, this will form a mechanism. Now हम एक एक करके इन conditions को analyze करेंगे. सबसे पहला condition क्या है stability का? The first and the foremost condition is there should be minimum three number of reactions. कोई भी structure अगर stable है, 2D structure, तो उसमें minimum कितनी reactions होनी चाहिए? Minimum three reactions होनी चाहिए. So if a 2D structure is stable, उसमें कितनी minimum reactions होनी चाहिए? थ्री रिएक्शंस होने चाहिए. अगर तीन से कम रिएक्शन है कोई भी 2D स्ट्रक्चर में तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रह सकता है. अब देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ बीम एंड दिस बीम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू रिएक्शंस लाइक दिस. इसमें सिर्फ दो ही रिएक्शन है. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज दिस, दिस पॉइंट ए. सो आर वी आई विल राइट एंड दिस इज आर एच. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन, इसमें सिर्फ दो ही रिएक्शन है. सो अगर इसमें हम एक मोमेंट लगाएंगे, सो दिस बीम विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड वो जो रोटेशन होगा, दैट रोटेशन इज अ रिजिड बॉडी मूवमेंट. और वो जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, देन दिस स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल. सो दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दो रिएक्शन का. सपोज दिस इज अ बीम एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू रोलर सपोर्ट्स लाइक दिस. सो आई विल राइट हियर रिएक्शन इज आर वी. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. सो दिस आर वी ए, दिस इज आर वी बी. So, अगर इस स्ट्रक्चर पे मैंने कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, अपना पोजीशन चेंज करने लग जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आएंगे. सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अनस्टेबल. सो फॉर स्टेबिलिटी मिनिमम कितनी रिएक्शन चाहिए? मिनिमम थ्री रिएक्शन चाहिए. सो यहाँ पे लेस देन थ्री रिएक्शंस का मैंने केस आपको बताया, लेस देन थ्री रिएक्शंस, सो दिस इज अनस्टेबल. नाउ अगेन इफ आई कंसीडर थ्री रिएक्शंस का केस में कंसीडर करता हूं, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, यू कैन से अ बीम. हियर देयर इज अ हिंज सपोर्ट एंड हियर देयर इज अ रोलर सपोर्ट. सो कितनी रिएक्शंस हो गई? यहाँ पे तीन रिएक्शंस हो गई. नाउ अब यहाँ पे आप लगाइए फोर्स कोई सा भी, द स्ट्रक्चर विल नॉट गोइंग टू शो डिस्प्लेसमेंट. कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएंगे विच आर अलाउड. सो स्ट्रक्चर विल नॉट शो डिस्प्लेसमेंट. सो दिस
here it is RVA, this is RHA, RVB, this is point B, this is point. So this structure is what? This structure is a stable structure. आपको सिर्फ इतना ही एनालाइज करना है कि कोई सा भी लोड लगा दो, स्ट्रक्चर में रिजिड बॉडी मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर एज अ होल अपनी पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट चेंज नहीं करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेबल स्ट्रक्चर. नाउ लेस देन थ्री रिएक्शंस द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल. नाउ दिस इज रिएक्शंस इक्वल्स टू थ्री, द स्ट्रक्चर विल बिकम स्टेबल. Now second condition लिखी है. Second condition क्या बोली हमने? All the reaction should not be concurrent. Second बोली all the reaction should not be concurrent. इसके पहले आप third वाले को analyze करिए. Third में क्या था? All the reaction should not be parallel. All the reaction should not be parallel. So minimum तीन reactions तो होने चाहिए. और वो तीनों reaction या तीन से ज़्यादा जितनी भी reactions है, वो सभी parallel नहीं होनी चाहिए. So देखिए मैं बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर जिसमें कि ऑल द रिएक्शंस आर पैरेलल लाइक दिस. सो हियर इन दिस केस ऑल द रिएक्शंस आर पैरेलल. नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है? थ्री. दिस इज आर वी ए, दिस इज आर वी बी, and this is RVC, point A, point B and point C. If this structure is subjected to a horizontal force, then this structure will become what? Unstable. So all reactions are parallel, which means unstable structure. So this structure is unstable. So minimum तीन reactions तो होनी चाहिए. और वो तीनों reactions कैसी होनी चाहिए? Parallel नहीं होनी चाहिए. तीन से या तीन से ज्यादा जितनी भी है, चार पांच छह सात आठ नौ दस, अगर सभी की सभी reactions parallel है, that means structure क्या हो जाएगा? Unstable. और ये कौन सी unstability है? ये linearly move करने लगेगा. Structure will start moving in linear direction. So this will show linear unstability. So this is linearly unstable. So linear unstability. Next is third condition. This was condition second. Third condition kya hai? Third condition is all the reaction should not be concurrent. Ab isko dekhiye, all the reaction should not be concurrent. Now see here, this is a structure बेस है स्ट्रक्चर का एंड इट इज सपोर्टेड लाइक दिस. ठीक है, दिस इज सपोर्टेड लाइक दिस. सो ऑल द रिएक्शंस क्या है? सो ऑल द रिएक्शंस आर पासिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट. सो दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, आर थ्री एंड आर फोर. सो सभी रिएक्शंस क्या हो रही है? एक ही पॉइंट से पास हो रही है. सो दिस इज क्या बोलेंगे? दिस इज द केस ऑफ कॉन्करेंट रिएक्शंस. ऑल द रिएक्शंस आर कॉन्करेंट. सो यहाँ पे क्या है? ऑल द रिएक्शंस आर कॉन्करेंट. ऑल रिएक्शंस आर कॉन्करेंट. नाउ इसमें अगर मैंने फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो दिस स्ट्रक्चर विल स्टार्ट व्हाट? विल स्टार्ट रोटेटिंग. और इसमें क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. सो दिस इज फोर्स P, इट गिव्स राइज टू व्हाट? एंगुलर अनस्टेबिलिटी. नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन थ्री, बट ऑल द रिएक्शंस आर व्हाट? ऑल द रिएक्शंस आर कॉन्करेंट, देन इट इज गिविंग राइज टू व्हाट? इट इज गिविंग राइज टू एंगुलर अनस्टेबिलिटी. सो जो नेक्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर फोर, दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन ऑफ मैकेनिज्म. वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इंटरनल हिंज पढ़ लेंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे थ्री हिंजेस कोलिनियरली प्लेस हो जाते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3D
structures. So next is 3D structures. Since this is not a part of strength of material, but इसका थोड़ा सा एक glimpse ले लेते हैं. So जैसे 2D structure में कितने possible displacements थे, 3 possible displacements थे, वैसे ही 3D structure में कितने possible displacements हैं. So possible displacements is delta x, delta y, delta z, theta x, theta y, theta z. अब यहाँ पे मैं वहां पे क्या बोला था, पॉसिबल डिफॉर्मेशन. तो डिफॉर्मेशन को हमने अलाउ किया था, डिस्प्लेसमेंट को अलाउ नहीं किया था. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम अलाउ नहीं करेंगे. सो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वॉट, जीरो. ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो. सो दीज आर लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सो कितने लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, 3 लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. ऑन दीज आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो 3 लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, 3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. नाउ इन डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए अगेन क्या होना चाहिए, इन डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए अगेन देयर शुड बी इनफ नंबर ऑफ रिएक्शंस डेवलप एंड दोज रिएक्शन शुड हैव एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट. सो इनफ नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होना चाहिए और उन रिएक्शन का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ना आए. सो इन डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, अगेन यहाँ पे टू प्रिवेंट दिस डिस्प्लेसमेंट बॉडी शुड बी इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होंगे. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी और नेट मोमेंट ऑन द नेट कपल ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. सो नेट फोर्स अगर जीरो बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, सिग्मा एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, और यू कैन से सिग्मा एफ अबाउट एक्स एक्सिस इज जीरो, सिग्मा एफ अबाउट वाई एक्सिस इज जीरो, समेशन ऑफ फोर्स अबाउट जेड एक्सिस इज जीरो, एंड summation of moment about x axis is zero, summation of moment about y axis is zero, and summation of moment about z axis is zero. So these are conditions of static equilibrium in 3D. So these are conditions of static equilibrium in 3D. 3D में static equilibrium की ये condition. So वहाँ पे 2D में कितनी conditions थी static equilibrium की, there were 3 conditions. यहाँ पे 3D में static equilibrium की कितनी condition है, there are 6 conditions. Now अगर यहाँ पे stability की बात करें, stability in 3D structure, सो स्टेबिलिटी सेम ही रहेगी. वहां पे भी हमने क्या बोला था, एक स्टेबल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें देयर आर नो रिजिड बॉडी मूवमेंट्स और देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट्स. यहाँ पे भी हम स्टेबिलिटी को उसी से ही डिफाइन करेंगे, दैट फॉर स्टेबिलिटी देयर शुड बी नो रिजिड बॉडी मूवमेंट्स और देयर शुड बी नो डिस्प्लेसमेंट. सो रिजिड बॉडी मूवमेंट्स या डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमें इनफ नंबर ऑफ रिएक्शंस चाहिए और इन रिएक्शंस का क्या चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए. So for stability, sufficient number of reactions with proper arrangement is required. Sufficient number of reactions with proper arrangement is required. And it must satisfy
following conditions. So the condition number one is total number of independent reaction should be greater than equals to 6. Total number of independent reaction should be greater than equals to 6. All the reactions should not be coplanar. वहां पे क्या था? वहां पे पैरेलल था. यहाँ पे क्या है? कोप्लानर. एंड द थर्ड इज ऑल द रिएक्शंस शुड नॉट बी कॉन्करेंट. ऑल द रिएक्शन शुड नॉट बी कॉन्करेंट. सो दीज आर द थ्री conditions. अगर ये तीनों conditions satisfy कर देते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? 3D स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है. नाउ अब हमने समझ लिया हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. हमने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हमने बोला था स्ट्रक्चर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर. 2D स्ट्रक्चर में अगेन स्टेबल स्ट्रक्चर, इनस्टेबल स्ट्रक्चर. 3D में स्टेबल इन अनस्टेबल. हमने 2D देख लिया, 3D देख लिया, स्टेबल देख लिया, अनस्टेबल देख लिया. उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स. अब हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को सोम में हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, सोम में स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हैं इन स्टैटिक कंडीशन. दैट मीन्स स्ट्रक्चर जो है और बॉडी जो है दैट इज नॉट इन मोशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहे. और उस डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं. नाउ ये जो रिएक्शन आ रही है, ये रिएक्शन हमें, दिस रिएक्शन विल एक्ट एज व्हाट? विल एक्ट एज अननोन्स. ये रिएक्शन जो होगी वो अननोन्स होंगी हमारे एनालिसिस में. सो अगर हम इन रिएक्शन को कैलकुलेट कर सक रहे हैं विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल, देन वो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो हमारे पास कुछ अननोन्स है, दैट इज रिएक्शन, और हमारे पास क्या है? कुछ कंडीशन है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, और यू कैन से कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अगर कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम को यूज करके हम सभी अननोन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सभी रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. और कंडीशंस को कैलकुलेट कर, कंडीशंस को यूज करके सभी अननोन्स को हम अगर नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो क्या उसमें हम रिएक्शंस निकाल ही नहीं सकते? नहीं, उसमें भी हम रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसमें हमें एडिशनल कंडीशंस लगेगी, एडिशनल इक्वेशंस लगेगी. अभी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, जो कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वो सिर्फ तीन ही है, दैट इज लिमिटेड, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज जीरो. अगर 2D के केस में देखा जाए तो तीन है, एंड 3D के केस में देखा जाए तो 6 है. सो दीज आर लिमिटेड. बट अगर नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अननोन है, तो क्या हम नंबर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते? हम नंबर ऑफ रिएक्शन तब भी निकाल सकते हैं, बट इन दैट केस हमें रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शंस निकालने के लिए कुछ और कंडीशंस, कुछ और कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस को डेवलप करना पड़ेगा, और उन कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस में क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी और मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज होती है. सो अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके ही हमारे अननोन्स को कैलकुलेट कर लेते, दैट इज रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके हम नहीं निकाल सकते सारी की सारी रिएक्शंस, सभी रिएक्शंस को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. नाउ जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें एडिशनल कंडीशंस की जरूरत होती है, एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत होती है. उन एडिशनल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? उन एडिशनल इक्वेशंस को हम बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस. कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस भी बोलते हैं, इक्वेशंस भी बोलते हैं. सो अगर कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस और कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस किस पे डिपेंड करती है? क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है और मटेरियल की प्रॉपर्टी. सो इन नटशेल ऐसा बोला जाता है कि अगर हम सारी के सारी
अननोन्स है, सभी अननोन्स को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर हम सारे अननोन्स को नहीं निकाल सकते विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सो प्लीज राइट इन दिस, इन केस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस। अभी इंटरनल फोर्सेस क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल, हेंस देयर इज नो यूज ऑफ कैपिटल ए दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल ई दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कैपिटल आई दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ए किसकी प्रॉपर्टी होगी, क्रॉस सेक्शन की, कैपिटल ई किसकी प्रॉपर्टी होगी, मटेरियल की, आई किसकी प्रॉपर्टी है, वो भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी। सो क्रॉस सेक्शन और मटेरियल की प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है, हम बिना इन्हें यूज किए क्या कर सकते हैं, सभी अननोन्स को निकाल सकते हैं, दैट इज रिएक्शंस एंड इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं अभी हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में देखेंगे। सो अगर आप रिएक्शंस जो भी अननोन्स है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम इक्वेशन अलोन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। नाउ इसमें लिखे फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस एडिशनल conditions are required, इन additional condition को क्या बोलते हैं, compatibility equation, compatibility equation which are function of property of cross section and material, that is A, E and I etc. That is capital A, capital E and capital I etc. So इस तरीके से हम structure को differentiate करते हैं into 2D, 3D, stable, unstable, determinate, indeterminate. Now, आपके जो स्कोप में है वो क्या है, 2D स्टेबल डिटरमिनेट, 2D स्टेबल डिटरमिनेट का एनालिसिस है आपके स्कोप में। पर कई बार वो पूछ लेता है 3D स्ट्रक्चर के लिए, दैट 3D स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है, तो वो एनालिसिस वाले पार्ट में नहीं, कभी 3D स्ट्रक्चर का आपसे स्लोप डिफ्लेक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है, बट 3D स्ट्रक्चर का बेसिक्स आपसे पूछ लेता है कि ये 3D स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है, ये 3D स्ट्रक्चर स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो आपसे जरूर पूछ लेता है। सो इसलिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। सो थैंक यू, दिस इज इट फॉर दिस क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।